सिद्धार्थ मल्होत्रा भले ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर बने होंगे, लेकिन वो किसी के हीरो नंबर वन बनने के मूड में नहीं है। उन्होंने दो दिल्ली बेस्ड स्कूल जाने वाले बच्चों को एक लीगल नोटिस भेजा है। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों ने उनके नाम की एक फैन वेबसाइट चला रखी है। भाई बहन शिखर स्वप्निल गुप्ता ने सिद्धार्थ की ये साइट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रिलीज से पहले बना रखी थी, लेकिन तब सिद्धार्थ स्टार नहीं थे और उनकी जिंदगी में बच्चों को तंग करने के अलावा और भी काम थे। एक फिल्म के बाद स्टारडम आई और तेवर भी, इस वजह से वो बच्चों को 10 करोड़ के लिए सू कर रहे हैं। सिद्धार्थ के करीबियों का कहना है कि वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चे उनके नाम का मिसयूज कर रहे हैं। लॉयर द्वारा वो उस फैन साइट को अपने नाम पे करना चाह रहे हैं। उनका ये भी दावा था कि बच्चे सिद्धार्थ के नाम का मर्चेंडाइज भी बेच रहे थे, लेकिन इतना सारा हंगामा सिद्धार्थ मल्होत्रा के लिए अजीब है। पर ये होता ही है एक सक्सेसफुल डेब्यू फिल्म का कमाल, शोहरत के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी कदम चूमती है।